हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नाटा का जो सिलेबस है 2021 का, वो अवेलेबल हो चुकी है। तो किस तरीके से, कौन सी वेबसाइट से चेक करना है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया नाटा के रिलेटेड, तब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन कर लेना, और वहाँ पर आपको टाइप करना है नाटा 2021 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको नाटा के रिलेटेड सारे अपडेट मिलते हैं, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, ओके, तो आपको यहाँ पे सर्च करनी होगी, ठीक है। तो जैसे सर्च करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंटर दबाइए और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको नीचे आनी है, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप न्यू टैब में ओपन होते हैं, यहाँ पर आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप जैसे नीचे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करनी होगी, ओके। नीचे आते रहना, लास्ट सेकेंड जो है सिलेबस यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप सिलेबस के पेज पर ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर जैसे ओपन होता है, यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज एंड सेक्शन वाइज यहाँ पर सिलेबस जो है आपको आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको कैसे चेक करना है, सिंपल है, यहाँ पर नीचे आनी है, एग्ज़ाम सिलेबस यहाँ पर लिखी हुई है, गेटिंग द BR, ओके। तो यहाँ पर नीचे आनी है, आप यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर देंगे, जो सामने आपके फॉर्म, यहाँ पर आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर अपना टाइप कर लीजिए, काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप कर लीजिए। सेलेक्ट योर करंट स्टेट, तो कौन से स्टेट के आप, स्टेट का यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर सिंपल से सेलेक्ट कर लीजिए। कौन से सिटी है, सिटी को सेलेक्ट कर लीजिए। कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, उस कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और आप फिर क्या कीजिए, गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपने जो दिया है और ईमेल, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे। तो गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, इसी तरीके से आपके सामने आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सिलेबस अवेलेबल है मैथ्स के लिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैथ्स के लिए अवेलेबल है। तो कैसे देखना है आपको, सिंपल, पहले देखिए टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, अलजेब्रा का है, लॉजिक का, तो उसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर जो कौन से टॉपिक्स आते हैं, डिफाइंस, AP, GP, जनरल टर्म, ओके। तो ये जो सारे आपके टॉपिक्स हैं, इसी के रिलेटेड आपको आएगा, यही आपको जो है पढ़ना है, यही इस टॉपिक्स में, अलजेब्रा में ये पढ़ना है, फिर इसमें ये पढ़ना है, मैट्रिक्स में ये सारे टॉपिक्स जो है आपको ये पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक में, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री में, तो इसमें आपको यही सारी चीज़ें करनी है मैथ्स में, जो काफ़ी ईजी है। इसी तरीके से मतलब आपको करना है, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।